पहलवान विनेश फोगाट ने नम आंखों से प्रधानमंत्री को लौटाया खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस कर दिया है। उन्होंने 26 नवंबर को पुरस्कारों को लौटाने का ऐलान किया था। शनिवार यानी कि 30 दिसंबर को विनेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर कर्तव्य पथ पर खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को रख दिया। इसे बाद में पुलिस ने उठा लिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने इस पूरे वाक्य का वीडियो शेयर किया है। बजरंग पुनिया ने एक्स लिखा, ये दिन किसी खिलाड़ी के जीवन में न आए। देश के महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। विनेश और उनके साथी प्रधानमंत्री कार्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद विनेश ने कर्तव्य पथ पर अपने पुरस्कारों को रख दिया। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे। इसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद साक्षी मलिक ने ये कहते हुए कुश्ती से संन्यास लिया कि फिर से ब्रजभूषण जैसा ही चुना गया है तो क्या करें। इसके बाद बजरंग ने पद्मश्री लौटाया और अब विनेश ने अपना खेल रत्न लौटा दिया है। पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह भी अपना पद्मश्री लौटाने की बात कह चुके हैं। अब आपको विनेश की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। वर्ष 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता। वर्ष 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वह वर्ष 2014, 2018 एवं 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। बता दें कि 4 वर्ष के अंतराल में उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में अर्जुन अवार्ड व वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था।